गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास सिक्स की इंग्लिश ग्रामर में करेंगे आज टॉपिक पढ़ेंगे नंबर के बारे में। उससे पहले हमने जो लेसन सेकंड किया था हमारा सेंटेंस वाला, उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद हमारा जो न्यू टॉपिक है आज वो पढ़ेंगे नंबर के बारे में। तो इसकी आपको ये एक्सरसाइज मैं करवा रही हूँ, लेसन टू है आपका, सेंटेंस हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, तो उसकी आपको ये एक्सरसाइज करवा रही हूँ। आपको ये अपनी नोटबुक में करनी है। एक्सरसाइज नंबर ए है आपका, निम्न वाक्यों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटिए। आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जब हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था कि सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है एक बार बताती हूँ कि जो वाक्य में कार्य हो रहा है उसको करने वाला कौन होता है, हमारा सब्जेक्ट। और हमें सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो भाग क्या कहलाता है, इसका प्रेडिकेट। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। द शॉपकीपर इज सेलिंग हिज गुड्स, जो दुकानदार है वो अपना सामान बेच रहा है। तो काम क्या हो रहा है सामान बेचने का, कौन कर रहा है, शॉपकीपर कर रहा है। तो शॉपकीपर हमारा क्या हो गया, यहाँ हम सब्जेक्ट लिख देंगे और यहाँ हम प्रेडिकेट लिख देंगे, यहाँ पे प्रेडिकेट को अंडरलाइन कर देंगे। तो द शॉपकीपर हमारा सब्जेक्ट है और जो इज से लेके इतना भाग है, सेलिंग हिज गुड्स, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। ओके, सेकंड, शी डिड नॉट सी द जेब्रा इन द जू, उसने जू में, जो चिड़ियाघर में, उसने जेब्रा नहीं देखा। तो काम क्या हो रहा है, देखने का काम हो रहा है, कर कौन रहा है, शी, तो शी का क्या हो गया, सब्जेक्ट। और यहाँ से डिड नॉट सी द जेब्रा इन द जू, ये सारा हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। हमें शी के बारे में क्या पता चल रहा है, शी वह कोई लड़की है, उसके बारे में हमें क्या पता चल रहा है कि उसने जेब्रा नहीं देखा जू में। तो हमें जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। और वाकई में जो काम हो रहा है, काम देखने का हो रहा है, कर कौन रहा है, शी। दिस ओल्ड हॉर्स वॉक्स वेरी स्लोली, ये जो बूढ़ा घोड़ा है बहुत धीरे चलता है। तो काम क्या हो रहा है, चलने का। ठीक है, कर कौन रहा है, ओल्ड हॉर्स। तो दिस ओल्ड हॉर्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और इसके बारे में हमें क्या पता चल रहा है कि वो धीरे चलता है, बहुत धीरे चलता है, वॉक्स वेरी स्लोली क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है, ए ब्लैक क्रो वाज सिटिंग ऑन ए ट्री, एक काला कौवा जो था वो पेड़ पे बैठा था। काम क्या हो रहा है, बैठने का, सिटिंग का, कौन कर रहा है, क्रो कर रहा है। तो जिसके द्वारा काम किया जाता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट। तो ए ब्लैक क्रो, ओके, और ये वो सिटिंग क्या कर रहा था, वो पेड़ पे बैठा था, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब आगे है, कुणाल इज अ क्रिकेटर, क्रिकेट किसके बारे में बात हो रही है, कुणाल के बारे में, क्रिकेटर कौन है, कुणाल है। तो कुणाल क्या हो गया, सब्जेक्ट। और कुणाल के बारे में हमें क्या पता चल रहा है कि वो एक क्रिकेटर है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। आई बोट ए टीवी सेट, मैं एक टीवी सेट लेके आई। तो टीवी सेट कौन लेके आया, काम क्या हो रहा है, टीवी सेट लाने का कौन कर रहा है, आई, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ब्रोट ए टीवी सेट क्या हो गया, प्रेडिकेट। द काओ गिव्स अस मिल्क, काओ हमें दूध देती है, काम क्या हो रहा है, दूध देने का, कर कौन रहा है, काओ। तो द काओ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और क्या करती है काओ, हमें दूध देती है, तो वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। ब्रेव पीपल फाइट फॉर देयर कंट्री, जो ब्रेव होता है बहादुर, बहादुर लोग अपने देश के लिए लड़ते हैं। तो कौन लड़ता है देश के लिए, ब्रेव पीपल। तो ब्रेव पीपल क्या हो गया, सब्जेक्ट। और फाइट फॉर देयर कंट्री क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक है, इसी तरह से आपको अपनी
नोटबुक में इसको करना है। अब हम आगे एक और एक्सरसाइज की जी नंबर आपकी एक्सरसाइज है कि निम्नलिखित वाक्यों के काइंड्स लिख दिए आपको, यानी कि प्रकार बताने हैं। कुछ वाक्य है जिसके आपको हमें क्या करने हैं, टाइप्स बताने हैं। पहला है प्लीज हेल्प मी, सोलोमन वॉज ए गुड किंग। थर्ड है डोंट रन ऑन द रोड, इज ही एन आर्टिस्ट। शी विल नॉट इनवाइट हर फ्रेंड्स। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस है और इसके हम क्या करेंगे, टाइप्स देखेंगे कि किस तरीके के। ऐसे आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसका पूछेंगे कि किस टाइप का वाक्य है ये वाक्य। हमने पढ़े थे कि पांच टाइप के होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो हम देखते हैं इसमें क्या है, प्लीज़ हेल्प मी, इसमें क्या, इसको जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे ना तब आपको पता चलेगा इसमें क्या भाव आ रहा है। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। तो क्या कर रहे हैं वो, किसी से हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया मेरी हेल्प करो, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें कोई प्रार्थना करने का, रिक्वेस्ट करने का भाव होता है तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव। तो इसके आगे आप लिख दोगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसमें कोई रिक्वेस्ट करने का या किसी को आदेश देने का या फिर आदेश का, प्रार्थना का, आज्ञा का या मना करने का भाव आता है तो वहाँ वो क्या होते हैं, इम्पेरेटिव। सोलोमन वॉज ए गुड किंग, ये क्या एक सिंपल वाक्य है कि सोलोमन एक अच्छा राजा था, तो ये बस सत्य है कि वो था ऐसा, इसमें कोई नहीं करने वाली भाव नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस वाक्य में किसी बात की स्वीकृति की जाए तो वो कौन से होते हैं, साधारण वाक्य, यानी कि असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस, ओके। डोंट रन ऑन रोड, ऑन द रोड, सड़क पर मत भागो। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि किसी को ना कर रहे हैं काम करने के लिए, कोई काम ना करने के लिए कह रहे हैं कि आप ये मत करो, जैसे डोंट मेक नॉइज, शोर मत मचाओ। तो जैसे टीचर्स हैं बच्चों को कहते हैं डोंट मेक नॉइज क्लास में, तो हम किसी को जब कोई काम ना करने के लिए कहते हैं, मना करने का जो भाव होता है, तो वो भी क्या होते हैं, हमारे इम्पेरेटिव वाक्य। ठीक है, इज ही एन आर्टिस्ट, क्या वह एक कलाकार है। इज ही और क्वेश्चन मार्क लगा है, तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन मार्क वाले कौन से होते हैं, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, शी विल नॉट इनवाइट हर फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों को नहीं बुलाएगी, इनवाइट करेगी। तो नॉट लगा है मतलब नेगेटिव। इस तरीके से बुक में थोड़े और एग्जांपल भी है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है और नोटबुक में करना है। आगे हम अपना स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक आज का। नया टॉपिक है हमारा नंबर। नंबर क्या होता है,
हमें पता है नंबर को हम क्या कहते हैं, वचन भी क्या कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होएगी कि नंबर टेल्स द काउंटिंग ऑफ द नाउन, कि जो नंबर है, जो वचन है, वो हमें संज्ञा की संख्या के बारे में बताते हैं। संज्ञा की नंबर हमें संज्ञा की संख्या के बारे में बताते हैं। अब संज्ञा हमें पता है क्या होती है। संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान को संज्ञा के नाम को संज्ञा कहते हैं। वो जो हमें संज्ञा की संख्या बताए कि वो संख्या में कोई व्यक्ति है, यदि वो संख्या में एक है या एक से अधिक है, कोई वस्तु है, जैसे मेरे पास पेन है, तो पेन ये संख्या में एक है या एक से अधिक है। उसी प्रकार से कोई जगह है, एक है या एक से अधिक है, तो हमें संज्ञा की संख्या के बारे में हमें पता चलता है। इसको इसके हमें ये जो नंबर के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, इसके टू टाइप्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर यानी कि एक, और प्लूरल यानी कि एक से अधिक। ठीक है, अब इस सिंगुलर को हमारे पास सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के हम क्या करेंगे, रूल्स होते हैं, उनको रूल्स को हम देखेंगे। रूल्स क्या है इसके, रूल्स नंबर वन, सिंगुलर जो नाउन है उनमें एस जोड़ के हम, रूल नंबर ये है कि सिंगुलर नाउन में एस जोड़कर हम क्या बनाते हैं, सिंगुलर नाउन में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। प्लूरल को बनाना कि कैसे हम, कि जिस कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके एंड में आप सिर्फ हमें एस जोड़ना है, वो प्लूरल बन जाता है। जैसे ट्री, तो ट्री का क्या हो जाएगा, ट्रीज, एस जोड़ दिया, ट्री मतलब एक, ट्री ट्रीज मतलब एक से अधिक। बुक, इसका क्या हो जाएगा, प्लूरल बुक्स, आपको सिर्फ क्या करना है, एस जोड़ना है। जैसे पेन, इसका क्या आ जाएगा, पेन्स, चेयर, तो इसका क्या हो जाएगा, चेयर्स। इसी तरीके से जैसे फैन, तो इसका क्या आ जाएगा, फैंस, और टेबल्स, जैसे टेबल है तो इसका क्या हो गया, टेबल। ठीक है, ये तो सिंपल रूल है कि हमने एस जोड़ के नाउन में, जो सिंगुलर नाउन था उसमें एस जोड़ के हमने प्लूरल बना दिया। अब सेकंड रूल जो है वो है कि जिन शब्दों के अंत में क्या हो, ओ एस डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स हो, तो हम क्या बनाते हैं, हो तो उनका प्लूरल बनाते समय हम क्या करते हैं, ई एस जोड़ देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। जिन स्पेलिंग्स के अंत में आपको ये वाले लेटर मिल जाए, ओ एस डबल एस सी एच एस एच और एक्स,
वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ई एस, ये ध्यान रखना। जैसे इनके एग्जांपल देखते हैं, हीरो लास्ट में क्या है, ओ, क्या बन जाएगा इसका, हीरोज, ई एस जोड़ दिया, ठीक है। जैसे बुक्स, एक्स लास्ट में, एक्स हमने वहाँ लिखा है, तो इसका क्या बनेगा, बुक्सिस, ई एस। ऐसे इसी तरीके से जैसे क्लास, डबल एस है, डबल एस यहाँ पे भी है, तो आपको क्या करना है, ई एस, क्लास की स्पेलिंग में आपको क्या करना है, ई एस जोड़ देना है, ई एस जोड़ देना है। जैसे बेंच, लास्ट में क्या है, सी एच है, तो आपको क्या करना है, बेंच की स्पेलिंग को लिख के और इसमें ई एस जोड़ देना है, ई एस, ठीक है। जैसे अब इस सिंगल एस का भी हम एग्जांपल देते हैं, जैसे बस, तो इसका क्या आ जाएगा, बसेस, ई एस, अकेला एस में जोड़ेंगे हम ई एस, ठीक है। और एक जैसे बॉक्स देखा, फोक्स, फोक्सेस, एक्स था, ई एस जोड़ दिया, ठीक है। पहले में वही सेम आके आपको लास्ट में क्या करना है, ये रूल के अकॉर्डिंग आपको डब ई एस जोड़ देना है। अगर और भी एग्जांपल्स है बुक में तो आपको वो सभी करने हैं। नेक्स्ट इसका रूल देखते हैं, इसका रूल नंबर 3 है, जिन शब्दों के अंत में वाई हो और उससे पहले क्या हो, वोवल, वोवल आपको पता है 5 होती है, ए, ई, आई, ओ, यू, और उससे पहले यानी कि वाई से पहले यदि कोई वोवल हो तो हम एफ जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, एफ जोड़ देते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यदि वाई से पहले वोवल है, ये 5 इनमें से कोई भी है, तो आपको क्या करना है, उसमें एफ जोड़ देना है। जैसे टॉय, यहाँ देखो वाई है, किस जिन शब्दों के अंत में वाई हो, वह शब्द हमारे पास क्या है, टॉय, टॉय के एंड में क्या है, वाई है, वाई से पहले क्या है, यहाँ पे ओ है, ओ हमारा क्या है, वोवल है, तो उससे पहले उसको हम प्लूरल में बनाने के लिए क्या करेंगे, टॉयज। जैसे डे, वाई है एंड में और इससे पहले ए है, तो क्या करेंगे, डेज। जैसे की, वाई है एंड में और उससे पहले ई है, ई हमारा वोवल है, कीज। और जैसे मंकी, एंड में वाई है, उससे पहले ई है, ई हमारा क्या है, वोवल है, तो हमने एस जोड़ दिया, एस जोड़ दिया, यानी कि वाई से पहले यदि वोवल होता है तो हमें क्या करना है, इसमें एस जोड़ना है। और इसका इसी के साथ इसी का सेम ही है कि जिन शब्दों के अंत में वाई हो और उससे पहले यानी कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, 21 होते हैं, इन 5 को छोड़ के बाकी जो 21 रह जाते हैं 26 में से, वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा के, तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देंगे, आई ई एस जोड़ देंगे, ठीक है। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो क्या करेंगे, वाई को तो हम हटा देंगे और आई एस को ले आएंगे। एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे डी आर वाई, ड्राई, वाई है उसके पहले आर है, आर कॉन्सोनेंट है, तो ड्राइज,
इसी तरीके जैसे क्राई वाई है, उससे पहले आर है, आर क्या है कॉन्सोनेंट है, तो क्राइज आई ई एस, वाई हटा गया, वाई हट गया और आई ई एस आ गया। जैसे बेबी वाई है, वाई से पहले बी है, वी हमारा कॉन्सोनेंट है तो बेबीज, आई वाई हट के आई ई एस आ गया। जैसे आर्मी वाई है, वाई से पहले एम है, एम क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है तो आर्मी, वाई हट के आई ई एस आ गया। हमने क्या किया, सब जगह वाई को हटा के आई ई एस जोड़ दिया। ठीक है, ये चार रूल्स किए हैं हमने, ये आप अपने नोटबुक में करोगे। ओके, और नेक्स्ट रूल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।